ठीक है, अब यस देखो, मैम फिर से रीड कर रही हूँ मैं क्वेश्चन। देखो, 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। इसको पहले कंपनी अपने प्रॉफिट में से रिडीम कर रही है, कितना? 2014 को कंपनी 60,000 रुपये कर रही है, और 2015 को कंपनी कितना कर रही है? 40,000 रुपये। और मार्च 2015 में कंपनी क्या कर रही है? 60,000 रुपये के फ्रेश इशू कर रही है शेयर्स के, वो भी कितने? 2% प्रीमियम पे कर रही है। तथा उसी वर्ष, मतलब इसी साल ही, मतलब 2015 में ही वो पूरा का पूरा बचा हुआ क्या कर दे रही है? रिडीम कर रही है। इट मींस 2015 में देखो 40,000 का प्रॉफिट भी दे रही है, मतलब प्रॉफिट में से दे रही है, और उसी साल 2015 में भी जो 60,000 वो फ्रेश इशू कर रही है उसको भी बांट रही है। मतलब दोनों काम देखो एक साथ कर रही है। ये आया समझ में? यस मैम ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट एंट्री बनाओ, जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं अपन, बहुत सिंपल वे से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो प्रोफॉर्मा बनाओ। ठीक है, डेट करके कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो दो, डेबिट अमाउंट दो और क्रेडिट अमाउंट बनाओ। डेट पर्टिकुलर बनाओ, लेजर फोलियो बनाना एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पॉइंट्स और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। देखो फर्स्ट एंट्री 2011 की करेंगे, अप्रैल फर्स्ट की, जिस समय पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है। तो क्या एंट्री होती है उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने वाले कर रही है कंपनी? 1,80,000 वाले। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा फिर? अब कंपनी क्या करेगी? जैसे क्वेश्चन में हमको पता है कि वो उसमें क्लियर कट लिखा है, इन सब का या किसी मांग का शोधन 31 मार्च 2013 के बाद कंपनी की इच्छा से होना है, ठीक है। तो देखो 2013 के बाद होगा, ये क्लियर है। फिर क्या लिखा है? लाभों में से निम्नांकित शोधन किए गए थे 30 सितंबर 2013 को, सॉरी 2014 को, 60,000 रुपए। तो मैंने आप लोगों को एक एंट्री बताई है ना, सेकेंड एंट्री क्या करते हैं अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ, पूंजी संचय खाते इसमें जो अमाउंट डाल के रखते हैं, फिर उसकी एंट्री करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इस खाते में अपन पैसे डालेंगे। फर्स्ट कितने का कर रहे हैं? 60,000 का। तो ये 60,000 रुपए हम क्या करेंगे? इसमें डालेंगे। अब क्या होगा? 2014 को 31 मार्च को हम उनको पे कर रहे हैं, तो उसके एंट्री कौन सी बनेगी? देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इसमें जाएगा कितना? 60,000। सेम एंट्री होंगी ना, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, बस हमको समझना है कि कौन सी डेट पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखो, अब इसको हम पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो इनको कितना दे देंगे अपन बैंक से? 60,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ये वाली एंट्री देखो, सॉरी 30 सितंबर हाँ को मैम, कर रहा है ना, मैंने ये मार्च लिख दिया है गलती से, है ना, ये सितंबर है, 30 सितंबर। अब जैसे ही ये वाली एंट्री हो जाएगी, हम अब सेम वही 40,000 के लिए करेंगे। देखो 40,000 के लिए क्या किया था उसने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये डेट ना दोनों के लिए, ये वाली डेट, ये इस पे, ठीक, ये डेट इन तीनों एंट्री के लिए मैंने अलग अलग लिखी नहीं है, आप लोग ध्यान देना। अब देखो 2015, 30 सितंबर, 40,000 रुपये कर रहा है, सेम एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लाभ में से ले रहा है, तो उसको पहले कहाँ करेंगे, पूंजी संचय खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में, सॉरी, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 40,000 का हो जाएगा। ये देखो, अब फिर सेम एंट्री, जैसे ये वाली दो की थी हमने, ये रफ करूं यहां पे जो वर्किंग नोट किया हुआ है, यस मैम। आप लोग बना सकते हैं ना एंट्रीज? अब बनाओ, जैसे लास्ट में एंट्री की है उसको बनाओ। बनाई किसी ने एंट्री? सेम एंट्री रिपीट होगी बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। आप देखो क्या एंट्री बनाई है, बताओ मेरे को, कौन बताएगा मेरे को? कृष्णा बताओ एंट्री। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो बोलो, कोई तो बोलो, दो दो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने से जाएगा? 40,000 से। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ये भी कितने से जाएगा? 40,000 से जाएगा। ठीक 40,000। है, अब नेक्स्ट यहां पर देखो, अब देखो उसी साल लिखा था ना मार्च 2015 में, तो देखो मार्च 2015। अब ये देखो डेट देखो, ये 2015 में सितंबर में था, ये मार्च 2015 में, तो ये डेट पहले आएगी कि ये वाली डेट पहले आएगी? 2015 वाली पहले आएगी ना डेट, तो से आप लोग सिर्फ डेट वाइज एंट्री करनी है आपको। ठीक है, आ रहे समझ में मैं क्या पॉइंट किया? अभी देखो फ्रेश यस इश्यू कर रहा है मार्च 2015 में, है ना, और ये लाभ वाला सितंबर 2015 में, तो लेकिन ये डेट तो पहले आई ना, हमने इसकी एंट्री पहले कर दी, तो इसलिए जनरल एंट्री, जरूरी नहीं आपकी सीक्वेंस वाइज हो, आप डेट वाइज एंट्री करवा रही हूँ मैं, इससे पहले प्रॉफिट प्रॉफिट की, अब शेयर्स वाली एंट्री। अब देखो 1,80,000 का शेयर है, जिसमें से 1,00,000 जा चुका है, 60,000 दिया, फिर कितना दिया? 40,000 दिया, अब कितना बचा है? 80,000। अब फ्रेश इश्यू कितने का कर रहा है बताओ मेरे को? 60,000 का कर रहा है, और जिसपे 2% प्रीमियम पे कर रहा है, तो देखो 60,000 का 2% प्रीमियम कितना होता है? बारह सौ कितना? 1,200। ठीक है, यानी 61,200। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में एक लाइन दी है लास्ट में, यह मानकर इन सम व्यवहारों
की आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए कि प्रत्येक शोधन पर कंपनी के लाभ हानि विवरण में पर्याप्त अधिक की राशि शोधन के लिए थी. Assuming that on each redemption there was sufficient surplus amount in statement and profit and loss of the company for redemption. अब देखो यहाँ पे टोटल 180,000 में से अभी तो सिर्फ 60 और 40 का है टोटल करूंगी तो कितने का आ रहा है सिर्फ 1,00,000 का है ना. लेकिन अभी 80,000 का और करना है अपने को जिसमें से हम शेयर इशू अभी कितने के कर रहे हैं 60,000 के लेकिन फिर भी 20,000 रुपए बच रहे हैं. तो इस 20,000 के लिए हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे उठाएंगे क्योंकि उसमें लास्ट में लाइन लिख के दिया है कि प्रत्येक शोधन पर कंपनी के लाभ हानि विवरण में पर्याप्त अधिक की राशि शोधन के लिए थी. दूसरी चीज जो ये प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है अमाउंट को तो प्रीमियम पे 2% कर रहा है लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि प्रीमियम का अमाउंट वो यूज करेगा. जैसे लास्ट क्लास का हमने जो क्वेश्चन किया था कल उसमें एक लाइन बहुत ही क्लियर कट दी गई थी क्वेश्चन के लिए. क्या दी गई थी क्वेश्चन के लिए बताओ कि कंपनी क्या करेगी उसमें उसी को उसमें से ही मैनेज करना है. जो कंपनी फ्रेश इश्यू करेगी उसको पूरा का पूरा उसी अमाउंट में मैनेज करना है ये वाला याद है एक लाइन थी. तो इसलिए मैंने हमने क्या किया था उसमें जो इश्यू किया था और प्रीमियम उसी में ही मैनेज किया था. और यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एक्स्ट्रा के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है तो इसलिए और कहीं पे भी प्रीमियम का इसमें मेंशन नहीं किया है तो इसलिए हम क्या करेंगे प्रीमियम का इसमें यूज नहीं करेंगे. याद आ रहा है कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने. यस मैम. कौन सा क्वेश्चन था वो याद आया. एग्जाम्पल किया था हमने लास्ट में उसमें एक लाइन क्लियर कट दी गई थी. कौन सा क्वेश्चन था वो जिसके उसमें अमाउंट क्या लिखा था. देखो जैसे कल वाले क्वेश्चन में लिखा था उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग करने के पश्चात इतने नए समता अंशों का निर्गमन किया जितने की आवश्यकता इस संबंध में थी. तो वो उतना ही इश्यू कर रहा था जितने की उसको रिक्वायरमेंट थी और नीड थी और प्लस उसमें क्या लिखा था कि प्रीमियम पे कर रहा है वो उसको पेमेंट को. तो ध्यान देना एग्जाम में हर बार लास्ट में वो क्या लाइन लिख के दे रहा है तो उसी बेस पे क्वेश्चन बनता है. इसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल है इसलिए हम क्या करेंगे प्रॉफिट में से लेंगे. तो देखो उसकी एंट्री कैसे करेंगे अपन. बैंक अकाउंट डेबिट टू करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री लिखो 2015-31 मार्च के लिए है. बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल से और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से. कितने का जाएगा देखो 60,000 का कर रहा है सॉरी शेयर कैपिटल 60,000 से आ रही है प्रीमियम 1,200 का आ रहा है तो ये हो जाएगा 61,200. फिर नेक्स्ट देखो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बचा हुआ अमाउंट कितना 20,000 वो हम यहां से लेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से लेंगे. फिर सेम एंट्री मार्च 31 को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आ जाएगा 80,000 और फिर बैंक से वापस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000.
ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम के साथ जाएगा जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन था, इसलिए हमने प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम पे दिया था। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला क्वेश्चन सबको, सुधीर लिमिटेड वाला। यस मैम। देखो अब क्वेश्चन देखो, सुधीर लिमिटेड की पुस्तकों में 31 मार्च को, देखो 31 मार्च 2014 का है। ठीक है, देखो क्या बैलेंस है, 2000 शेयर्स हैं, 8% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज वाले ना, ₹100 फुल्ली कॉल्ड अप है। तो कितना था, 2 लाख रुपए का। इन पे कॉल इन एरियर्स है जिन्होंने पैसा पे नहीं किया होगा, कितने का, 6000 रुपए का। तो टोटल है 1,94,000 का। आगे देखो, जनरल रिजर्व है कंपनी के पास, फंड में 50,000 है। फिर कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व भी है 10,000 का, पूंजी संचय, पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान। अब देखो इनको भुगतान करेगी 1 अप्रैल 2014 को, ये 31 मार्च को ये सिचुएशन थी ना कंपनी की। कंपनी अब क्या करेगी, 1 अप्रैल 2014 को 5 रुपए वाले प्रति अंश प्रीमियम की दर से किया गया था। तो ये 5 रुपीज कितने का है, प्रीमियम का है, कितने का शेयर, 100 रुपीज का। कंपनी ने ऐसे पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए जो पूर्णदत्त थे 10 रुपए वाले इतने समता अंश निर्गमित किए जितने की आवश्यकता थी। तो पूर्णदत्त वाले कितने हैं, 1,94,000। ठीक, ये आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब कंपनी कितने समतांश निर्गमित करेगी, जितने की उसको नीड है, यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है सुधीर लिमिटेड, अब देखो कितने शेयर्स पे उसको पैसा नहीं आ रहा है, 300 शेयर्स पे, ये ना जो मैंने कॉल इन एरियस पे उसको 6,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स। यानी देखो वर्किंग नोट नोट करो, अगर क्लास एंड भी हो गई, टाइम ओवर हो गया, तो अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो मैं कल वर्किंग नोट नहीं बताऊंगी। तो देखो 2000 शेयर्स हैं जिसमें से 300 के पैसे नहीं आए, मतलब फुली कॉल्ड अप नहीं है। ये अमाउंट तो सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल का था, लेकिन अब देखो कंपनी के पास कितने शेयर बचे, 1700 शेयर्स बचे। एक शेयर है 100 रुपए वाला, ये देखो 100 रुपए का। तो कंपनी को पैसे कितने चाहिए, 1,70,000 रुपए। ठीक, अब कंपनी प्रीमियम पे दे रही है 5 रुपए के, तो 1700 शेयर्स का 5 रुपए प्रीमियम के हिसाब से कितना होगा, 8,500। इसका मतलब कंपनी को ओवरऑल रिडम्पशन के लिए चाहिए 1,78,500। ठीक, अब कंपनी के पास पैसे कितने अवेलेबल हैं, जनरल रिजर्व में 50,000 और कैपिटल रिजर्व में 10,000। तो कंपनी के पास 60,000 अवेलेबल हैं, चाहिए कितना उसको, 1,78,500, जिसमें से 60 अवेलेबल हैं। तो कितने चाहिए कंपनी को और, 100%। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, यहां पे दोनों रिजर्व दिया है ना, कौन सा वाला, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो देखो कैपिटल रिजर्व में से पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ जनरल रिजर्व से लेंगे। तो ये कितना अमाउंट बचा अपने पास,
1,78,500 में से हम सिर्फ जनरल रिजर्व का ही पैसे यूज करेंगे, तो कितना बचा? 1,28,500। तो हम कितना इशू करेंगे? 1,28,500। याद रखना, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? Yes, अब क्वेश्चन में दिया है कि 10